इसको रख लो आप और जैसा भी करना चाहे चार लड़के दो लड़कियां पे चार लड़कियां दो लड़के ऐसे भी या तीन तीन करके जिससे बराबर अपना जो समानता का अधिकार है महिला पुरुष वाला वो भी बना रहे, नहीं तो कल से उसमें भी आपत्ति हो जाए। दूसरा जो आपके भले की बातें हैं सिर्फ वही करूँगा मैं, उसके अलावा अदरवाइज करने का कोई मेरा मकसद भी नहीं है ना ही वो चीज़ें। मेरा काम है आपको सही सलाह देना, कल से ये ना हो कि साहब आपने हमें सही सलाह दी कि नहीं दी। राजधानी में हर चीज़ के नियम हैं, राजधानी में उन नियम को थोड़े से दो चार नियम और लागू हो जाते हैं। अभी विधानसभा थी, इस चक्कर में आपको अनुमति देने के शुरू में हमारे वरिष्ठ अधिकारी थे वो मना कर रहे थे क्योंकि विधानसभा चल रही 19 तारीख तक, अननेसेसरी न्यूसेंस की कोई आवश्यकता रहती नहीं है। इस चक्कर में आपको परमिशन के लिए मना कर दिया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने जो सोचा विचार किया कि और ऊपर से जो भी ऊपर से ही बात करी होगी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं आपके जनप्रतिनिधि जो विधानसभा आए हैं उन्होंने भी कहा कि बच्चों की बात को सुना जाए, इसलिए आपको अनुमति दी गई। तो 10 तारीख की आपको अनुमति है, सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक। आप चाहें तो बीच में भी 2:30 बजे 3 बजे भी आप बता सकते हैं कि हमें अभी देने जाना है क्या पा, तो उस हिसाब से भी हम वहाँ प्रिपेयर कर लेंगे, वहाँ आपको ले जाएंगे। बाकी 5 बजे तक तो आप भेज ही सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनुमति आपकी सिर्फ एक दिन की है। उस दौरान आप अपना ये दूते अभी आज जैसे 8 तारीख कंप्लीट हो गई है, 9 तारीख है आपके पास, इस दौरान अपना जो ज्ञापन है उसको तरीके से आप ड्राफ्ट कर लें, आपस में डिस्कशन कर लें क्या क्या बिंदु रखने हैं, वो ड्राफ्ट कर लोगे ना तो उसको पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है और देने में भी सहूलियत रहती है। अभी आपकी कोई ड्राफ्टिंग करी नहीं होगी, आपने क्या क्या डिमांड है क्या क्या नहीं है क्या करना चाह रहे हैं आप, तो प्रॉपर ड्राफ्टिंग कर लें उसको। और ड्राफ्टिंग में नीचे जो हैं अपनी समिति के 7-8 लोग उनके फ़ोन नंबर नाम वाम वो सब जरूर लिख दें, जिससे उनको कुछ मैसेज आपको भेजना होगा वो आपको भेज सकेंगे मैसेज। 10 तारीख को सुबह 10 बजे से आपको यहाँ पानी की सुविधा उपलब्ध होगी, ये शासन की तरफ से रहेगा, शेष सुविधाएँ टेंट वेंट वो आपकी वो है, उसमें हमारा कोई वो नहीं रहेगा सहयोग। 5 बजे तक हमारा पूरा सहयोग है, आप विधि अनुसार चलेंगे बिल्कुल 100% सहयोग रहेगा। आप कहेंगे आपको डेलीगेशन को मिलवाना है, हम वहाँ पर मिलवाने ले भी जाएंगे 5-6 लोग जो भी चुनेंगे, 6 लोग ज़्यादा मत करना क्योंकि एक गाड़ी में से ज़्यादा आ नहीं पाते, हमें अलग से एक गाड़ी करनी पड़ेगी, तो 6 लोग आप लोग कर लें उनको हम मिलवा देंगे, आप अपनी बात रख लें, मतलब सीधे हमारा बीच में से काम ही ख़त्म पुलिस का, हम चाह रहे हैं आप सीधे बात उनसे करें जो चीज़ें करते हैं प्रक्रिया को लागू करते हैं, ये मेरी चीज़ें। इसके अलावा कोई और समस्या हो किसी प्रकार का और की चीज़ें तो आप भी बता सकते हैं, बाकी फिर राम राम, आप लोग अपने घर जाइए, खाना ना खाइए।